हाँ देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में कल एक्टिविटी हमारे पास चल रही थी वो मुख्यतः जो उत्तराखंड से एडजॉइनिंग एरिया में वहाँ पर ज़्यादा कंफाइंड थी। बाकी वैसे भी देखेंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रेनफॉल एक्टिविटी हुई, और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लगभग 65 mm के आसपास से एक जगह पर रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। बाकी जो हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट कैटेगरी के मुख्यतः रेनफॉल आई है। और आप देखेंगे कि जो ये रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास थी तो एक डिप्रेशन टाइप का यूपी के ऊपर बना हुआ था, साथ में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी जम्मू कश्मीर के ऊपर इफेक्ट कर रहा था। तो उन दोनों के एसोसिएशन में ये कल से एक्टिविटी हमारे पास रही थी, रात में काफ़ी रही थी, और अभी ये एक्टिविटी हमारे पास कम होने जा रही है। हालांकि देखेंगे ये शाम तक आते आते काफ़ी कम हो जाएगी पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव कर रहा है और उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर अब नहीं रहेगा। तो शाम के बाद जो हल्की फुल्की जो बारिश अभी चल रही है वो भी कम होने के चांसेस हैं। और आगे के अगर दिनों की बात करते हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास अभी डिक्रीज करने जा रही है। कल से हमारे पास जो मुख्यतः एक्टिविटी रहेगी मोस्टली जो है हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में लाइट रहने वाली है, एक दो जगह पर मॉडरेट कैटेगरी की भी आ सकती है। तो आज एक दो जगह के लिए हमने भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की हुई है, जो कि मुख्यतः देखेंगे जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक दो जगह पर हो सकती है। बाकी जगहों पर हमारे पास ऐसी कोई खास वार्निंग नहीं है। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे आज और हल्की फुल्की बारिश चलती रहेगी। कल से इसमें काफ़ी कमी आने के यहाँ चांसेस हैं और 2 दिन तक, अगले 2 दिनों तक इसमें हल्की ही बारिश रहेगी और कोई चेतावनी नहीं है। देखिए, जो मुख्यतः हमें ठंड की फीलिंग होती है लेकिन जब बारिश हमारे पास इस तरह होती है तो उस समय तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। और जो तापमान है हमारे पास, अगर न्यूनतम तापमान देखेंगे शिमला के आसपास लगभग 15 डिग्री के आसपास बना रहेगा, और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 23 डिग्री के आसपास है। और चूंकि अगले 2 दिनों के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आएगी और जो बादल हैं वो भी थोड़े छटेंगे, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 2 दिनों में टेम्परेचर जा सकता है। नहीं, फिलहाल देखेंगे जो हमारे पास हैवी रेनफॉल के जो चांसेस हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसी के आसपास हमारे पास कुछ रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। बाकी सी प्लस प्लस की चेतावनी जारी तो कहाँ वो मुख्यतः किन्नौर में एक जगह पर हमारे पास रिपोर्ट आया है, क्योंकि तो मीडिया रिपोर्ट है और बाकी हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है उसमें ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट आया है। बात देखिए, जो मानसून हमारे पास है मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से थर्ड वीक में जो नॉर्मल डेट होती है वो थर्ड वीक में होती है, जब वो 24 सितंबर के आसपास होती है, उसके बाद विड्रॉल होता है। लेकिन चूंकि जो मानसून का विड्रॉल होता है वो मुख्यतः हमारे पास राजस्थान से स्टार्ट होता है, पहले राजस्थान से पंजाब से विड्रॉ होगा, उसके बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश से विड्रॉ होगा। तो अभी फिलहाल विड्रॉल के लिए हमने कोई भी आपको अनुमान नहीं दिया हुआ है, और जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको शेयर करेंगे। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान बहुत ही ज्यादा जाएगी। देखिए, जैसे ही हमारे पास ये बादल छटेंगे तो आसमान साफ होगा, तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी सी गिरावट हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में आ सकती है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है।